वेलकम टू हर्फ अ प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है, जो मैथ का इतना ही डिटेल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज इक्वल्स टू एन एन प्लस 1/2। ये हम प्रूव करते थे। अब यही चीज़ हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप एन को 1 के इक्वल पुट करके चेक करें, फिर आप एन को के इक्वल पुट करके चेक करें, और फिर आप एन को k+1 के इक्वल पुट करके चेक करें। 1 से तो ये साबित होगा कि जो अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो जो पहली टर्म है वही अगर आ जाती है तो यानी कि ये फार्मूला ठीक है। k से कुछ साबित नहीं होगा, k से सिर्फ हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई चीज़ nth टर्म तक है वैलिड तो क्या वो किसी भी kth टर्म तक भी वैलिड है या नहीं है। कि kth टर्म कोई भी हो सकती है 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद अगर वो kth टर्म तक वैलिड है क्या वो उससे नेक्स्ट यानी कि k+1 टर्म पे वैलिड है या नहीं है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो हम n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में n 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1, 1+1 ऊपर 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2, 2, 2 कैंसिल 1 आ गया, 1 मतलब ठीक है बिल्कुल। k पुट करता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास k+1/2। अब इस सीक्वेंस की जो kth टर्म है वो है k, और ये बराबर होता है सम। हमारे पास ये इक्वेशन है, हम मानते हैं इसको एक इक्वेशन। अब मैं इसकी kth टर्म में k+1 पुट करता हूँ, यानी कि मैं k की जगह पे मैं k+1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा k+1। तो यही हम नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड कर देंगे, 1+2+3, और दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे k+1 इक्वल्स टू। अब इस k की जगह पे ये इसी तरह आ जाएगा, एंड जाहिरी बात है कि दोनों साइडों पे k+1 ऐड हुआ है तो हमने दोनों साइडों पे कर दिया ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम k+1/2 ले लेंगे कॉमन, अंदर सिर्फ यहाँ k रह जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 into k+1 k+1/2, और यहाँ आ जाएगा k+2k+1। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास k+1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर k+2 आ जाएगा। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि k+1 into k+1/2। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जहाँ जहाँ k था वहाँ वहाँ अब k+1 आ चुका है। तो यानी कि जो चीज़ kth टर्म के लिए वैलिड फार्मूला था वो k की फॉर्म में था, जो k+1 टर्म के लिए फार्मूला है वो k+1 की फॉर्म में है। जो जहाँ जहाँ k था अगर वहाँ वहाँ k+1 आ जाता है तो हमने बिल्कुल ठीक एक स्टार्ट लिया है। इसकी हम एक और एग्जांपल करेंगे ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो कि ये सिचुएशन किस तरीके से और किस तरह से वैलिड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज़ है 1+5+9 जिसकी nth टर्म है 4n-3, और इसका सम बराबर होता है n into 2n-1। अब ये हम इसको वही पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे 1 पे तो ये प्रूव हो जाएगा, ऑब्वियस एक बात है। 4k-3 k into 2k-1। अब जब हम k+1 वाली बात करेंगे तो यही फार्मूला बनना चाहिए, लेकिन बस k की जगह पे k+1 होगा, लेकिन हम दोनों साइडों पे k+1 टर्म ऐड करेंगे। जो हमारी kth टर्म है वो है 4k-3, तो जो हमारी k+1 टर्म होगी वो k की जगह पे, मैं k+1 में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें k की जगह पे k+1 डालना है और फिर सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा 4k+1, यानी कि जो अगली टर्म होगी वो होगी 4k+1। 1+5+9 4k-3, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 4k+1, दूसरी साइड पे भी ऐड हो जाएगा k2k-1+4k+1। अब इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि ये हमें जो आंसर दे दैट वुड बी k2k-1, लेकिन हर k की जगह पे k+1 होना चाहिए, हर k की जगह पे k+1 होना चाहिए। अब अगर मैं k+1 होना चाहिए तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले आप थोड़ा सा रफ वर्क में देख लें कि इसमें k+1 पुट करने के बाद होता है। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि k+1 अगर उसमें हम पुट करते हैं तो आता क्या है।
वो आता है जी के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन, इस तरह का कुछ आपका एक्सप्रेशन यहाँ बनना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, टू के स्क्वेयर माइनस के प्लस फोर के प्लस वन, तो ये बन गया हमारा टू के स्क्वेयर प्लस थ्री के प्लस वन। जब इसको हम फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन। तो हमारे पास एग्जैक्टली वो फॉर्म बन गई जो हम चाह रहे थे, लेकिन अभी भी अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं के प्लस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन और टू के प्लस वन माइनस वन। जहाँ जहाँ के प्लस के था वहाँ वहाँ के प्लस वन आ गया। तो एग्जैक्टली आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में यही प्रूव करना है कि अगर हम के प्लस वन टर्म भी डालते हैं तो वो ना हो। मज़ीद किसी भी इशू के लिए कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से रब्ता करें, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहीं पे भी आपको इशू आता है मैथमेटिकल इंडक्शन में तो वी आर अवेलेबल 24 आवर्स। तो के में के प्लस वन में मुझे लाजमी बात है वो कन्फ्यूजन हुई होगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट।